अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं और कई बार इसके चलते उनको ट्रोल भी किया जाता है। अब कंगना के इस बेबाकी अंदाज को देखते हुए काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि एक्ट्रेस राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि कंगना लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। कंगना रनौत के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के रूमर्स तो काफी समय से ही फैले हुए हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ चर्चा हो रही है कि कंगना को बीजेपी हिमाचल की मंडी सीट से मैदान में उतार सकती है। वहीं कंगना की बात करें तो कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा काफी बार जता चुकी हैं। ऐसे में एक्ट्रेस को हिमाचल की मंडी से टिकट की मजबूत दावेदार माना जा रहा है। यहाँ ये भी बता दें कि बीजेपी अब तक हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारों के लिए कई नामों पर विचार कर रही है, जिनमें कंगना रनौत का नाम भी शामिल है। हालांकि कंगना का कहना है कि मैं किसी पार्टी की स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं कोई ऐलान नहीं कर सकती, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका ऐलान पार्टी अपने हिसाब से और सही समय सही जगह पर करेगी। हालांकि कंगना रनौत ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बातों से इनकार भी नहीं किया, तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कंगना की पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें कितनी सच हैं और कितनी नहीं।